आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 10 में अलार्म कैसे लगाएं या फिर Redmi Note 10 में अलार्म सेट कैसे करें। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में क्लॉक वाला ऐप ओपन करिए। तो यहाँ पे आपके अपने फ़ोन में एक क्लॉक वाला ऐप आएगा, यहाँ पे अगर इस तरीके से नहीं मिलेगा तो इसके लिए आपके फ़ोन में ये जो टूल्स वाला फोल्डर आएगा इसे ओपन करिए। टूल्स वाले फोल्डर में ये क्लॉक आएगा, क्लॉक पर क्लिक करिए और इसे ओपन करिए, या फिर इसके लिए ऊपर से नोटिफिकेशन बार ओपन करिए। लेफ़्ट में ये टाइम आएगा तो टाइम पे क्लिक करिए। अब आपका ये क्लॉक ऐप ओपन हो गया है, या फिर इसके लिए ऐप ड्रॉर ओपन करिए। ऐप ड्रॉर में आपको ये क्लॉक मिल जाएगा तो क्लॉक यहाँ से ओपन करिए। अब ये ओपन करने के बाद नीचे ये प्लस का आइकन आएगा या फिर ऐड का आइकन आएगा, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर टाइम सेट करिए जिस टाइम का आप अपने फ़ोन में अलार्म लगा रहे हैं। हम लगाएंगे कल मॉर्निंग में 6 बजे का अलार्म, तो ये इसे 6 पे सेट करेंगे। यहाँ से इसे 00 सेट करेंगे और मॉर्निंग के लिए AM आएगा और इवनिंग के लिए या फिर शाम के लिए रात के लिए लगाएंगे तो PM आएगा। हम ये AM सेट करेंगे और नीचे रिपीट आएगा, इस पर क्लिक करिए। अगर एक बार के लिए लगाएंगे तो वंस आएगा, डेली रोज के लिए इसी टाइम के लिए अलार्म लगाएंगे तो डेली सेलेक्ट करिए, या फिर मंडे टू फ्राइडे के लिए लगाएंगे तो इसे सेलेक्ट करिए, या फिर किसी पर्टिकुलर डे के लिए लगाएंगे तो कस्टम पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे अपना डे सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लगाएंगे बस कल के लिए एक बार के लिए, तो वंस सेलेक्ट है ऑलरेडी। तो अब ऊपर ये राइट टिक आएगा या फिर डन आएगा, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे अब आपका अलार्म सेट हो गया है। तो इस तरीके से Redmi Note 10 में अलार्म लगाएं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।